ये देखिए दोस्तों, पूरा टेंट टूट चुका है। कोई सोया है इसके अंदर, उसने बर्फ से और ये टेंट बर्फ से पूरा टूट गया है। इतनी ज़्यादा यहाँ पर स्नोफॉल हुई है रात को, पूरा डैमेज हो चुका है। और आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी बर्फ है, पूरा टेंट टूट चुका है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बर्फ है दोस्तों यहाँ पर। हम हैं अभी केदारनाथ में और बज रहा है सुबह का 4, और रात को यहाँ पर बहुत हैवी स्नोफॉल हुआ है। आप देख सकते हो कितनी मोटी चादर जम गई है बर्फ़ की, और यात्रियों के दर्शन के लिए आने शुरू हो चुके हैं क्योंकि बर्फ़ ज़्यादा है, डर है लोगों को कहीं ग्लेशियर में घिर ना जाएं। ये देखिए कितनी ज़्यादा यहाँ पर बर्फ़ है। तो दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग आते हैं तो थोड़ा सावधानी से आएं और थोड़ा अपने साथ में गर्म कपड़े लेके ज़रूर आएं। ये देखिए फुल बर्फ भरी हुई है यहाँ पे। कल रात को हुआ था बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हुआ था। कैसा लग रहा है आपको अभी यहाँ पे? बहुत ही अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने दर्शन किए, तो दर्शन करने के बाद जो एनर्जी होती है ना, वो कुछ ज़्यादा लेवल बढ़ जाती है, एकदम उसका लेवल कुछ हाई हो जाता है। तो बहुत एनर्जी, बहुत शक्ति मिलती है वहाँ से दर्शन करने के बाद। और महादेव के दर्शन करके बस ऐसा लगता है कि वहीं पर बस बैठ जाओ, हाथ जोड़ के, माथा टेक के। तो बहुत अच्छे दर्शन हुए हमारे। आप लोग भी अगर आना चाहते हैं तो वेदर देख के आएँ। कल 2 बजे से दिन से लगातार स्नोफॉल हो रहा है, अपने साथ वॉर्म कपड़े ज़रूर लेके आएँ। जी बिल्कुल, अगर आप लोग आते हैं तो अपनी सेफ्टी खुद करें। और अपने रहने का बंदोबस्त करके आएँ दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि अगर आप ऐसी किसी की भी भरोसे आ जाते हैं, मैं यहाँ रुक जाऊँगा वहाँ रुक जाऊँगा, तो इतनी भीड़ है तो आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए आप लोगों को ये सब चीज़ का ध्यान रखना रहेगा। गर्म कपड़े लेके आएँ और रहने की व्यवस्था पहले से करके आएँ। अगर हैवी स्नोफॉल हो गया तो, अगर आप लोगों की रहने की व्यवस्था नहीं है तो आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो मैं हूँ अभी केदारनाथ में, आप देख सकते हो हर हर महादेव। बहुत ज़्यादा यहाँ पर ठंड है। हमारे सुबह सुबह दर्शन हो चुके हैं, बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। बस जो ठंड है उससे यात्री लोग घबराए हुए हैं थोड़ा, तो इसके लिए आप लोगों से अनुरोध है कि मौसम की जानकारी लेके आएं और साथ में अपनी व्यवस्था करें। ये मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ, केदार घाटी जो है उसके मैं आपको पूरा दर्शन करा रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत बर्फ से यहाँ पर सफ़ेद हो चुकी है, बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। और ऊपर चंद्रमा में भी आ चुके हैं, चंद्रमा देवता। ये कितना खूबसूरत लग रहा है दोस्तों, आप देखिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं घर से निकल के जब लोग निकलते हैं कि इतना अच्छा यहाँ पर देखा। पर बस एक ही दिक्कत है कि रास्ता बहुत कीचड़ वाला हो जाता है, ठंड बहुत ज़्यादा है इतनी बर्फ़ में। बहुत सारे लोग कल रात को मैंने देखे जिनकी रहने की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, तो बहुत बर्फ़ है। ये देखिए टेंट भी यहाँ पर, ये भाई ने टेंट लगाया था और ये सो गए, इनका पूरा यहाँ पर टेंट टूट चुका है।
पूरा टेंट टूट गया है इधर। अरे कोई है इसमें, टेंट तो हिला लो भाई लोगो, टूटने की कागार में है टेंट। देखिए सो गए नींद, गहरी नींद में, और टेंट भी नहीं वो करा है। इतनी आएगी सोचा नहीं था।